बढ़िया ना हो। अब साहब जो उनके आलोचक हैं वो ये कहते हैं साहब वो आंदोलन तो कुचल दिया गया, हाँ ब्रिटिश सत्ता ने अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, गांधी जी की तो उसमें गलती नहीं है। देखिए देखिए हाथ लगा लीजिए मैदान से जरा, हाँ देखिए सामने एक बता दूं, मैं मानव सेवा क्लब का अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा और आज इतिहासकार अभय बाबू के जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया है यहाँ मानव सेवा क्लब के द्वारा, और साथ में ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की पूर्व संध्या पर भी एक कार्यक्रम हुआ। इसमें वक्ताओं ने उनके महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर प्रकाश डाला और लाल बहादुर शास्त्री के गीत सुनाया और कई लोगों ने गीत भी सुनाया और कई लोगों ने अभय बाबू पर अपने विचार भी रखे। और उसके अलावा हम लोगों ने पीलीभीत के बहुत बड़े इतिहासकार श्री विश्वमित्र टंडन साहब को सम्मान किया अभय बाबू के नाम से, और ये सम्मान हमेशा ही चलता रहेगा, इसी तरह स्थापित सम्मान कर दिया गया है ये। और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर एनएल शर्मा साहब ने की और विशिष्ट अतिथि हमारे रणदीप पांचाले जी रहे, सुरेश बाबू मिश्रा रहे। थोड़ा सा अभय बाबू जी कौन थे जरा इनके बारे में? अभय बाबू जी बहुत अच्छे इतिहासकार थे और उन्होंने आमला के रामनगर में कई ऐसी महत्वपूर्ण खुदाई कराई जिसमें कि काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, महत्वपूर्ण चीज़ें मिली जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत समय अपने आई क्षेत्र के बारे में, आई क्षेत्र जो क्षेत्र रहा उसके, हाँ इस क्षेत्र में उन्होंने खुदाई कराई और वहाँ पे महाभारत काल के भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं जिसका वो संग्रह भी उन्होंने किया है। उनके घर में भी संग्रहालय है और कई जगह राष्ट्रीय संग्रहालय में उन्होंने योगदान किया। तो इतना बड़ा योगदान को बरेली वाले भुला ना दें, इस वजह से ये आज उनके जन्म शताब्दी समारोह पे ये कार्यक्रम है।